गाइस कैसे हैं आप लोग? गाइस मेरे को काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में आप स्ट्रेटजीज क्यों नहीं बनाते। तो ये उनके लिए है जो ब्रेक इवन और जो रेंज डिफरेंस ज़्यादा चाहते हैं और जिसके बेसिस पे उनको प्रॉफिटेबिलिटी का मज़ा वो उठा पाएँ। तो अगर मैंने आज जो स्ट्रेटजी बनाई थी तो मैंने ये एक्चुअली क्या किया ये इसमें पहले समझिए। इसको मैंने रेंज नीचे के साइड में थोड़ा सा, मतलब जो ब्रेक इवन है उसको मैंने करीबन 2,500 पॉइंट की डिफरेंस रखी है और ऊपर के रेंज में मैंने 1,500 पॉइंट की डिफरेंस रखी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऑलरेडी इतनी ओवर वैल्यूड है हो चुका है, ठीक है। और जो डेल्टा का केसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर अल्टीमेटली अगर ये रेंज के अंदर बंद हो जाता है तो प्रॉफिट बनने के चांसेस है। और आपको स्टॉप लॉस भी इसमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क लेवल रहता है। तो कैसे करते हैं ये आप ग्राफ देखिए, ये ग्राफ ऐसे वर्क करेगा आपको। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट से आपको रिस्क जो है वो 3-3, ये ऑलमोस्ट 3-3-7-6-8 के नीचे आपको लॉस चालू हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऊपर जाता है तो यहाँ का आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है ऑलमोस्ट 3-6-2-3-8 का, ठीक है। अगर ये इसके अंदर बंद हो जाता है तो यू विल गेट गुड प्रॉफिट। सी इसमें आपको अच्छा रेंज में, ये रेंज में अगर बंद हो जाता है, जो मैंने डिफरेंस बनाई है अगर आप अभी देखेंगे, इसका स्पॉट रेट चल रहा है बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट फ्यूचर का 35,145, ओके। और इसकी मैंने रेंज रखी है ब्रेक इवन की, वो है 33,768 से लेके 36,366। इसकी एस्टिमेटेड मार्जिन भी कम आएगी, ठीक है, क्योंकि आप इधर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक फ्यूचर बाय करने के साथ आप 3 राइट कर रहे हैं। जब आप 3 राइट करते हैं तो एक्सचेंज आपको क्रेडिट देता है, ठीक है। और इसकी प्रीमियम देखिए, ये प्रीमियम देखिए, करीबन 1,100 रुपये की लेवल पे इसमें लिक्विडिटी भी आपको अवेलेबल है, ओके। और यहाँ पे देखिए 356, तो ऑलमोस्ट ये आपकी जो कॉस्टिंग है वो एकदम कम कर दिया, प्लस आपको कहीं ना कहीं इधर प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा कहीं। तो ये मैंने ऐसा बनाई है जिसमें आपको किस तरह से काम करना है, रिस्क को कम लेके काम करना है, तो आप ये कर सकते हैं। पर नीचे का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो 33768 का है, 33768 के नीचे जाता है तो लॉस चालू हो जाएगा, तो उसके बीच में आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है गाइस। इसको मैंने ना एकदम शॉर्ट और सिंपल बनाने के लिए, अगर कोई किसी को अगर ट्रेड करना है जिसको फ्यूचर लेना है और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो मैंने एकदम इन द मनी, अगर आप देखोगे तो डीप इन द मनी में अभी की जो स्पॉट रेट चल रही है ना, वो चल रही है ऑलमोस्ट 35,034, और इसकी फ्यूचर की प्राइस देखिए 35,145। तो यहाँ पे देखिए, मैं फ्यूचर इसका ख़रीद रहा हूँ बैंक निफ्टी का, और साथ ही साथ मैं इन द मनी, डीप इन द मनी में 34,500 का मैं कॉल सेल कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें लिक्विडिटी आपको अवेलेबल रहेगी, प्रोबेबिलिटी इसमें काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें ब्रेक इवन देखिए 34,000 की ब्रेक इवन आ रही है ऑलमोस्ट 34,068। इसमें मार्जिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा 1,77,000, पर यहाँ पे देखिए आपको रेंज काफ़ी अच्छा मिल रहा है, मतलब आप करीबन 1,100-1,300 पॉइंट नीचे के बाद ही आपको लॉस चालू हो जाएगा, ठीक है। तब तक ये जो कॉस्टिंग है ना, ये जो है ना 1,100 पॉइंट आपको ये कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये कितना भी ऊपर जाने दीजिए आपका फ़िक्स हो गया है, मतलब 11,800 आपका फ़िक्स है, कितना भी जाने दो। तो मतलब अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे 1,77,000 के हिसाब से, तो मोटा मोटी 7% के हिसाब से ये महीने का बढ़ता है, ठीक है। आपको अगर रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है, तो आप नीचे 34,000 के इधर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 34,028 इज़ द स्टॉप लॉस, ठीक है। और गाइस, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है, इसमें कोई एग्रेसिव ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है। जो भी किसी को अगर कोई हेजिंग करना चाहते हैं, जो अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ओके, तो अल्टीमेटली अगर वो ऐसा फॉलो करेंगे तो उनको लॉस होने का चांसेस कम है, ठीक है। अगर नेकेड आप बैंक निफ्टी ले लेते हो तो इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि क्या होगा कि मैं नेकेड बाय कर रहा हूँ नीचे, तो नीचे आपको तुरंत स्टार्ट हो जाएगा लॉस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट भी तो करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको मार्जिन भी कम लगे और साथ ही साथ आपको पैसा भी बने, तो ऐसे स्ट्रेटजी से आप अगर करेंगे और इसमें आप फॉलो करेंगे तो आपको पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।